देखिए 19 महीने के कालखंड को हम देखें तो राज्य की विडंबना है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह आदिवासी महिलाओं पर, आदिवासी बच्चों पर, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। आप लगातार आप ही मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे वो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट हो, चाहे दुमका हो, चाहे साहेबगंज हो, चाहे एक गरीब आदिवासी गांव परिवार में जन्मे, किस तरह पढ़ लिख कर दरोगा बन के किस तरह उसकी हत्या, आत्महत्या, ये सारी बातें अगर हम देखें। परसों हमारा एक अनुसूचित जनजाति मोर्चा का युवा तुर्क, एक उभरता हुआ नेता का जिस तरह दिन दहाड़े हत्या हुई, तो कहीं शासन नजर आ रहा? कहीं शासन नहीं है, कहीं शासन नहीं है। सरकार नाम का चीज झारखंड में कहीं है तो आप बताओ? दिन दहाड़े चोरी हो रहा, दिन दहाड़े छिनतई हो रहा, दिन दहाड़े हत्या हो रहा, कहीं सरकार कानून नाम का चीज नहीं। इसलिए मैंने आज सलाह दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं को कि आप ये अक्षम मुख्यमंत्री से राजपाट नहीं चलने। अब हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा में वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी जी, आपका नोलिन सोरेन जी है, लोबी हैं, अमरम जी है, दीपक बिरवा जी है, अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी नेतृत्व करने नहीं देते हैं, अगर सोरेन परिवार से मुख्यमंत्री आपको बनाना, तो बसंत सोरेन जी है, सीता सोरेन जी है, उनको आप बनाओ, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन से राजपाट चलने वाला नहीं है।